सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 2022 न्यू ईयर कॉन्सेप्ट एडिटिंग। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद करना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो, नहीं करना नहीं आएगी मत करना, चले जाना कॉमेंट में गाली वगैरह बक देना। सो चलेगा अपन को। सो आप लोग वीडियो पर रिस्पॉन्स तो दो, इसी बहाने। सो आते वीडियो को टॉपिक पर। सो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की एडिटिंग करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप सीसी में। हाँ, आप लोग लग रहा हो पिक्सार्ट में क्यों नहीं करता ये बंदा, क्योंकि यार पिक्सार्ट में मैं पहले करता था, जिसमें क्वालिटी का इतना गंदा लॉस होता था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। सो इसीलिए मैंने फोटोशॉप सीसी पे क्या बोलते हो आ गया हूँ। सो उसी पे मैं बताने वाला हूँ। ये स्टेप आप लोग पिक्सार्ट में कर सकते हो, ऑटोडेस्क में, जिसमें भी आपको एडिटिंग अच्छी लगती है उसमें कर सकते हो। सो चलिए वीडियो करते स्टार्ट विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स डू इट। सो गाइस, ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करना। बैकग्राउंड पीएनजी जितने भी है, मॉडल का भी पिक्चर मैं आपको दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना उस पर। सो सिंपल से इसके बाद हम लोग ऐड फोटो प्लस में जाकर फोटो लाइब्रेरी में जाकर ऐड कर लेंगे मॉडल को, और फिर देन जाके ये वाला पीएनजी आपको ऐड कर लेना है। ये मैंने हैंड का पहले से ही डिस कर लिया ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, आप तुरंत समझ जाओ, इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो। इसका मैं फुल पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे पीएनजीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये 10 बार मैं नहीं बोलने वाला। सो उसके बाद हम लोग पार्टिकल्स का पीएनजी लाएंगे ताकि लगे कि हल्का न्यू ईयर वाला सेलिब्रेट हो रहा है, ना कि मजाक। सो इसको आने के बाद इस पर जितना भी फेस पे एरिया आ रहा है उसको ईडीएस कर लेंगे अपन लोग। ईडीएस कर लेने के बाद इसके बाद आप लोग एक और पीएनजी ऐड कर सकते हो, जैसे ये वाला 2022 का बलून पीएनजी भी आप लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं ऐड करूँगा, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा सो इसलिए ऐड नहीं किया मैंने। सो यहाँ से हम लोगों ने डन करके सेव कर दिया, और देन लेगा लाइट रूम में आने के बाद इसमें कुछ कलर एडजस्टमेंट किया, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, हाईलाइट्स को माइनस के साइड, शैडोज को हल्का प्लस कर दिया, एंड वाइट्स को माइनस के प्लस के साइड किया, और ब्लैक्स को भी प्लस के साइड। फिर देन गए हम लोग मिक्स वाले टूल में, इसका हम लोगों ने वाइब्रेंस बनाया एंड टिंट माइनस किया, और टेम्परेचर भी माइनस किया हल्का हल्का। फिर उसके बाद HLS यानी मिक्स वाले टूल में गया, फिर उसके बाद ह्यू वगैरह सबको छेड़ा हल्का फुल्का, जो भी कलर एडजस्टमेंट करना था मैंने अपने फ़ोटो के हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर लिया। सो आप लोग भी अपने फ़ोटो के हिसाब से ही कलर एडजस्टमेंट करना, ताकि वो अपने पिक के बैठे। ताकि ये मेरा पिक था, तो इस पर मेरा जो गाल वगैरह था वो कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया था, क्योंकि अंदर मैंने घर में फ़ोटो शूट किया था, तो इसीलिए उतना अच्छे से नहीं आया था पिक्चर, बट इट्स ओके यार। इसके बाद हम लोग ने ग्रेडियंट वगैरह टूल यूज़ किया, ग्रेडियंट वगैरह मिक्स वगैरह सब टूल यूज़ किया। फिर देन हम लोग ले गए क्या इसी ऐप में आने के बाद, हम लोग यहाँ से डन कर लेने के बाद देन हम लोग ले गए जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, जिसमें विगनेट वगैरह मिलता है। इसमें मैंने टेक्सचर बढ़ाया और विगनेट माइनस के साइड कर दिया -22, एंड देन शार्पनेस में गया, शार्पनेस ऐड किया, नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन एंड मास्किंग, ये जरूर ऐड करना ताकि फोटो में एकदम चार चांद लग जाता है। फिर उसके बाद मैं गया मास्किंग वाले टूल में यानी सिलेक्टिव टूल, फिर उसके बाद मैंने ये वाला ग्रेडियंट टूल लिया और इसका एक्सपोजर नीचे से डाउन कर दिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने डन कर दिया, सो आप बिफोर एंड आफ्टर चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।